मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना दो। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना दो। रक्षाबंधन का खास त्यौहार, भाई बहन का प्यार भरा त्यौहार, जहां एक ओर हर किसी ने इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट किया, वहीं एक्ट्रेस और नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा ने भी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के जरिए अपने भाई को ऑनलाइन ही राखी बांधी। जी हां, काम के सिलसिले में स्टार्स अपने घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे स्टार्स को उनके अपनों के करीब लाना है। आइए देखते हैं शिखा मल्होत्रा और उनके भाई के बीच का ये अटूट प्यार। जी हाँ, क्या हाल है जी का? बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक हूँ बेटा। संजय जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी कल ही रिटायर हुई है 35 साल की नर्स की नौकरी से। तो दिल्ली में वो नर्स, उन्होंने एज अ नर्स 35 साल काम किया है, और मैं इस बार उनकी रिटायरमेंट में भी नहीं जा पाई। भैया भाभी थे बस, और इस बार राखी भी ऐसे ही। यहाँ मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, और कोई चीज जब नहीं मिलती तो ज्यादा फील होती है। और मुझे नहीं पता, मुझे बाद में भैया बहुत पीटने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है और मुझे बिना बताए कैमरा पे ले आई मैं। तो मम्मी, आपने राखी दिखाई जो मैंने भेजी थी? हाँ, ये रही राखी। हाँ, हाँ, मेरी ये वाली। राखी है। अब ठीक आप, हाँ, है, देखिए मैं हमारी आपको बता ये दूं, संजय मैंने जी, मैंने सिर्फ आप मेरी लोगों को मम्मी को राखी जोड़ने। भेजी है। हाँ देखिए, मेरी ओर से आप दोनों को ही रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और शिखा आपको भी जी और आपको मम्मी भी जी को भी। लेकिन अब ये मोमेंट आपका है, आप। मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। शिखा जी, आप ये रक्षाबंधन मनाइए, हम लाइव भाई बहन को देख रहे हैं, आप अस्पताल में हैं, भाई दिल्ली में है, तो ये आपका मोमेंट है। मैं फ्रेम से हट जाऊंगा और आप क्या बातें करती हैं, किस तरीके से बचपन की रक्षाबंधन दोनों भाई बहन याद करते हैं, ये थोड़ा सा भाई बहन के लिए भी इमोशनल वक्त होता है। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। हमें बहुत कम मौका मिलता है ऐसे, और मैं तो हॉस्पिटल में हुई पिछले 4 महीने से। मम्मी, सबसे पहले राखी कर लेते हैं। आप मैं नहीं हूं वहां पे, लेकिन आप मेरी तरफ से बांध दो। मैं पहले तेरी तरफ से टीका लगा रही हूँ भैया को। हाँ ये टीका लगाया मैंने। हाँ, ये मैं चावल लगा दिए, चावल लगा दिए। ये मैं तेरी राखी बांध रही हूँ इस वाले हाथ में। मैं खोल दिया। ये खोल दे थोड़ा। ये बांध दिया मैंने। ये तेरी भाभी की राखी है, ये तूने भाभी की राखी। हाँ, ये मैं रवि के हाथ पे लगा रही हूँ यहाँ पे। ये दोनों भी भाई भाभी, अर्धांगिनी भाभी, तो भाभी साथ साथ लगा रही हूँ। और ये भाभी। आशी की, ये आशी की राखी है, आशी की राखी ये रही। और ये इमरती रखी है, रवि इमरती खाएगा, आप इमरती खिला दो, मेरी तरफ से खिला दो। मैं तू भी खा ले, तू भी खा भी ले। खा लूंगी। और ये घेवर है शिखा, घेवर घेवर खिला दो रवि, खिला दो, खिला दो, मेरी तरफ से खिला दो, और और पानी भी पिला दो। वाओ, पानी भी पिला दीजिए। बिल्कुल नहीं लग रहा ना कि हम दूर दूर हैं अब, है ना? दूर दूर है, नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही कर दी राखी। वाओ वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। संजय जी, मैं सभी को बताना चाहूंगी,
कि अब इतने भी लोग हमको देख रहे हैं कि शायद मैंने अपने ब्रदर से कभी ये बात ऐसे वन ऑन वन नहीं कही, क्योंकि मेरे से बड़े हैं थोड़ा ज्यादा, मैं उनसे मेरे लिए हमेशा दोस्त की तरह रहे। लेकिन जब मुझे पैरालिसिस हुआ था तब वो इकलौते ऐसे थे जो मुझे गोद में ले लेके भागते थे, गोद में ले लेके जाते थे कई जगह, हॉस्पिटल सब जगह। और चाहे मेरी अपने ब्रदर से कितना ही लड़ाई झगड़ा हो गया हो कभी भी, लेकिन हमें कभी भी दोबारा बात करने में प्रॉब्लम, मतलब ये इस तरीके का रिश्ता है जिसमें कोई कड़वाहट किसी भी चीज की कोई जगह नहीं होती। आप चाहे सालों बात ना करें लेकिन आप फिर सामने आएंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट है और मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल मेरी राखी ऐसी। ऐसा कोई भाई बहन होते ही नहीं है जिनके अंदर, मतलब जिनके बीच में लड़ाई होती नहीं है, वो तो भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा। तो जितनी बार लड़ाई होती है उतनी बार प्यार बढ़ जाता है, पर ज्यादा लड़ते हैं। तो वो तो एक बोलने की बात है कि लड़ाई होती है या ऐसा कुछ होता है वो तो। हमारे बाबा जी बोलते हैं अभी भी मैं अपनी बहन से लड़ता हूँ तो वो तो प्यार बढ़ता है, मतलब कहते हैं कि प्यार बढ़ जाता है और ज्यादा। तो ऐसा कोई वो है, चश्मा लेके लड़ाई वड़ाई तो कुछ नहीं होता। लड़ाई तो मतलब एक पार्ट होता है लाइफ का कि भाई बहनों में चलता ही रहता है तो हर कोई किस तरह से जीता ही तो बोलने की बात नहीं है। ठीक है। हाँ, मेरे मुझे बचपन में बहुत ही ज्यादा इन्होंने मार मार के मुझसे क्रिकेट खिलवाया है। हाँ, कराटे सिखाता था तो मारता था, साइकिल सिखाता था तो मारता था। मैंने और कराटे सीखा है, बहुत सारी चीजें पढ़ाया, कराटे सीखे पढ़ाया, सिंगिंग साथ में की है हमने। हालांकि भैया बाद में बहुत ही सिंपल उसमें चले गए प्रोफेशन में और मैं इधर आ गई, लेकिन खैर मुझे बहुत संजय जी आई एम रियली थैंकफुल टू नवभारत टाइम्स जो हमेशा मुझे इतना ज्यादा परिवार की तरह मानता है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मोमेंट इतना स्पेशल हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे राखी बनेगी, मैंने नहीं सोचा था। वो भी जब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में है जहाँ पे मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मैं कल ही अपने फादर से बोल रही थी कि ये तो बहुत अजीब सा बैड लग सा है, क्योंकि मैं जाना चाह रही थी, मम्मी रिटायर हुई है इस साल और राखी भी आई थी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे देख के भैया और मम्मी को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं दूर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने राखी बना ली है। संजय जी थैंक यू सो मच, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। संजय जी मैं ना जा नहीं पाई आज, तो मैंने किशन भगवान को राखी बांधी है संजय जी, और मैं जा नहीं पाई तो मैंने ये राखी किशन भगवान को बांधी है सबसे पहले। और आपका थैंक यू कि आप मुझे लाइव दिखा रहे हो। अरे मैंने 30-35 साल मैंने नर्सिंग, अभी रिटायर हुई हूँ मैं। नहीं नहीं आप भी, आपको भी, मैं भी ऐसा नहीं लग रहा, मैं आपको रोज देखती हूँ जी।